वार्ड क्रमांक 32 में जो लंबे समय से मांग इस क्षेत्र में इस एरिया में रोड की थी, उस निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए भूमि पूजन किया गया है। लगभग इस जगह पर जैन बेकरी के पीछे 300 मीटर और पास में ही 400 ऐसे करके 750 कुछ मीटर की रोड का निर्माण का आज भूमि पूजन हुआ है। दोनों जगह की सड़कों की कुल लागत लगभग 24 से 25 लाख है। मैं यहां के पार्षद महेंद्र रामटेकर जी, सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रमुख जन अरुण तुरकर जी, अरुण रांगडाले जी सहित राहुल बिसेन जी सभी को बहुत सारी बधाइयां देती हूं, क्योंकि लंबे समय से यह मांग थी। और जो कार्य देख रहे हैं हमारे भुवन रांगडाले जी, उनसे भी यह आग्रह करूंगी कि वह यथाशीघ्र इस काम को पूर्ण करें। जिले के अध्यक्ष हमारे युवा मोर्चा के गजेन भारद्वाज जी भी हैं, सुरजीत सिंह ठाकुर नगर बालाघाट भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। बहुत सारी सड़कों की सौगात पिछले 5 वर्षों में बालाघाट नगर को मिली है, उसी में ये एक और कड़ी आज जुड़ गई है। हम सबका यही नारा है कि हम बालाघाट के चप्पे चप्पे को पक्की सड़क से के निर्माण से अछूता नहीं रखेंगे। बालाघाट को पॉलीथिन मुक्त बालाघाट बनाने में भी हमें हम संकल्पित हैं। सभी से आग्रह है कि वृक्षारोपण जरूर करें, पेड़ों का रखरखाव करें, स्वच्छता बनाए रखें, और इस कोरोना काल में हम सब खुद बचकर अपने परिवार और आसपास को कैसे सुरक्षित रह सके, यह भी हम सबकी चिंता होनी चाहिए। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।